हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 18 फेब के दिन हम PIB के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए यूनियन कैबिनेट जिसको कि चेयर किया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, ताकि जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था 2015 का उसको अमेंड किया जा सके। तो यहाँ पर इसको अमेंड किया जा रहा है ताकि जो भी मेजर्स हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन सेटअप उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सके और जो चिल्ड्रन के बेस्ट इंटरेस्ट है उसको भी इंश्योर किया जा सके। देखिए ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि अगर किसी चिल्ड्रन का यहाँ पर एडॉप्शन ऑर्डर है तो इनके द्वारा अब ये इशू किया जा सकेगा। तो ये जो अमेंडमेंट है वो की गई है अंडर 60 सेक्शन 67, अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर, ताकि यहाँ पर जो भी केसेस हैं इस प्रकार के उसका स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज किया जा सके, इनहेंस किया जा सके। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फर्दर इम्पावर किया गया है इस एक्ट के अंदर, ताकि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो सके, साथ ही साथ जो भी एफर्ट जो पुट की जा रही है उन बच्चों के लिए जो कि डिस्ट्रेस कंडीशन में है उनको भी एक तरह से यहाँ पर सिनर्जाइज किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे ऑफेंस थे प्रीवियसली जिसको कि डिफाइन नहीं किया गया था, तो उसको भी अब डिफाइन किया गया है एज ए सीरियस ऑफेंस के तौर पर। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी पैरामीटर थी CWC मेंबर के अपॉइंटमेंट के लिए उसको भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और कुछ ऐसे भी डिफिकल्टीज थी जो कि वेरियस प्रोविजन थी इस एक्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टीज आती थी, तो उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया गया है इस अमेंडमेंट के अंदर। तो इस तरह से ये सारी अमेंडमेंट की गई है। अगली न्यूज़ है वर्कशॉप ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन पब्लिक ग्रीवांसेज रेड्रेसल के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस यानी कि DARPG, इन्होंने यहाँ पर वन डे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन पब्लिक ग्रीवांसेज के लिए 18 फेब 2021 के दिन, यानी कि आज के दिन। तो यहाँ पर देखा जा रहा था कि कई सारे जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे ताकि जो भी पब्लिक ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेस किया जा सके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो इमर्ज होके आई है इन द इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द नेशन। तो यहाँ पर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी एडवाइस पे एक नेशनल वर्कशॉप को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की बात की गई फॉर नॉलेज डिसिमिनेशन ऑन डाइवर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ताकि जो भी पब्लिक ग्रीवांस है उसको रिड्रेसल किया जा सके। तो इसको करने की बात की गई DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा फ्रॉम नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर ये एक तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 टेक्निकल सेशन होंगे जिसको कि चेयर किया जाएगा अजीत सेठ जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो जो पहली टेक्निकल सेशन होगी ऑन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन पब्लिक ग्रीवांस वो होगी नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, इसको भी यहाँ पर चेयर किया जाएगा श्री अजीत सेठ जी के द्वारा। इसके अलावा जो सेकेंड सेशन होगी टेक्निकल सेशन होगी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन पब्लिक ग्रीवांस साउदर्न स्टेट्स के अंदर, तो इसको चेयर किया जाएगा डॉक्टर सी चंद्रामौली जी के द्वारा। थर्ड सेशन जो होगी वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर की जाएगी, इसको किया जाएगा फॉर्मर सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी MS गौरी कुमार जी के द्वारा। और जो फोर्थ सेशन है ईस्टर्न स्टेट के अंदर वो की जाएगी और इसको चेयर किया जाएगा श्री बिमल जुल्का जी, जो कि फॉर्मर CIC हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कलेक्टर फ्रॉम नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा और चिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर इनको भी आइडेंटिफाई किया गया है इस सेशन के स्पीकर के तौर पर। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स थी। अगली न्यूज़ है सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन यानी कि SMPPQ के बारे में। देखिए डिटेल्स देख लेते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यहाँ पर रेगुलेटरी मॉनिटरिंग सर्विलियंस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रही है थ्रू द स्कीम जिसका नाम है सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन यानी कि SMPPQ के द्वारा। तो यहाँ पर इनका एम है कि इस तरह से जो क्वालिटी है उसको यहाँ पर लॉस होने से बचाया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनको भी यहाँ पर बचाया जा सके इंसेक्ट पेस्ट से, डिजीज, वीड्स और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं तो उनसे बचाया जा सके, और एक तरह से जो शील्ड है उसको प्रोवाइड किया जा सके फॉर आवर बायोसिक्योरिटी फ्रॉम द इनकर्जन और जो भी स्प्रेड है एलियन स्पीशीज का उसके उससे बचाया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर 1200 से ज़्यादा पैक हाउसेस जो है उसको रिवैलिडेट किया गया है, साथ ही साथ राइस मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, पोस्ट एंट्री क्वारंटीन फैसिलिटी ये यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ताकि एग्री एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जा सके। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट और जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड उसको प्रमोट करने की बात कही गई, जिसके अंदर यहाँ पर 14 क्रॉप स्पेसिफिक एंड पेस्ट स्पेसिफिक पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिस को इशू किया गया लॉकडाउन पीरियड जो था उसके दौरान। इसके अलावा यहाँ पर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर 6788 CR यानी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन को इशू किया गया, जो भी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर थे पेस्टिसाइड के उनके लिए, साथ ही साथ 1011 करोड़ रुपीस को इशू किया गया है एक्सपोर्ट ऑफ पेस्टिसाइड के लिए। देखिए जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914 और इंसेक्टिसाइड एक्ट 1916 था वो यहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी फंक्शन जो होती है उसके लिए। साथ ही साथ 2020 से 2021 के बीच में इंडिया जो है वो पहली कंट्री बना जिसने कि लोकस्ट का जो अटैक था उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का यूज किया, जो भी SOPs थी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थी उसको फाइनलाइज करने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन चलाया गया लोकस्ट के लिए, जो कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके। फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने यहाँ पर जो भी कंडीशन थी फॉर इम्पोर्ट ऑफ अनियंस इनटू इंडिया ड्यूरिंग 2020 उसको भी रिलैक्स किया गया है ताकि जो प्राइसेस हैं और अवेलेबिलिटी है अनियन की मार्केट में उसको स्टेबलाइज किया जा सके। फर्दर यहाँ पर जो मार्केट एक्सेस था वो ऑप्टेन किया गया फॉर कैरेट सीड फ्रॉम ईरान, इसके अलावा जो वीट फ्लावर थी उसके लिए बासमती राइस और पोमग्रेनेट के सीड के लिए उज्बेकिस्तान से, फर्दर पोमग्रेनेट के लिए ऑस्ट्रेलिया से, मैंगो बासमती राइस और सेसमे सीड्स को अर्जेंटीना से और पीनट्स को पेरू से 2020 से 2021 के बीच में एक तरह से मार्केट एक्सेस यहाँ पर ऑप्टेन किया गया। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में। देखिए कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल के राजबरी ऑफ कूच बिहार यहाँ पर अभी 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की 3 दिन की एक कल्चरल फेस्टिवल को कंक्लूड किया गया, जिसके अंदर यहाँ पर दोहर जो कि एक बंगाली बैंड है उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म किया, साथ ही साथ कुछ रिनाउंड आर्टिस्ट और लोकल ट्रूप भी इस फंक्शन में इस प्रोग्राम के अंदर शामिल थे। देखिए ये जो महोत्सव है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है राजबरी ऑफ कूच बिहार के लिए जो कि एक मैग्निफिसेंट पैलेस ग्राउंड है, तो इसके अंदर यहाँ पर रिनाउंड आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस ने यहाँ पर परफॉर्म किया, साथ ही साथ जो फोक आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर कंट्री की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको हाईलाइट किया। देखिए जो सबसे आकर्षक केंद्र था इस प्रोग्राम का वो था सिंगर्स और म्यूजिक कंपोजर श्री कैलाश खेर जी, कथक डांसर सौविक चक्रवर्ती, तबला माइस्ट्रो विक्रम घोष जी, तो इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन में परफॉर्म किया, तो इसने काफ़ी ज़्यादा ये आकर्षक रहा लोगों का। इसके अलावा जो भी क्लासिकल परफॉर्मर्स थे म्यूजिक के उन्होंने भी यहाँ पर लास्ट 3 डेज के अंदर यहाँ पर परफॉर्म किया, ताकि यहाँ पर जो भी एक तरह से जो लोकल आर्ट्स है उसको प्रिजर्व किया जा सके और जो भी हेरिटेज है उसकी एक तरह से झांकी प्रस्तुत की गई लोकल आर्ट्स
को यहाँ पर प्रिजर्व और इनकरेज करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट मेला भी इस ओकेजन के ऊपर हेल्ड किया गया है। देखिए ये जो फेस्टिवल है उसको वेस्ट बंगाल में हेल्ड किया गया और इसको इनॉग्रेट किया गया गवर्नर श्री जगदीप धनकर जी के द्वारा। फर्दर जो सेकेंड लेग है इस प्रोग्राम का उसको दार्जिलिंग के अंदर किया जाएगा 22 से 24 फरवरी के बीच में। देखिए ये जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट में, ताकि यहाँ पर जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग है जो डिफरेंट या डाइवर्स कल्चर के लोगों के बीच में, उसको एक तरह से इन्हेंस किया जा सके और यहाँ पर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को सिक्योर किया जा सके। देखिए आरएसएम यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2015 से। तो यहाँ पर 7 जोनल कल्चरल सेंटर जो है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहती है और वो एक पिवटल रोल यहाँ पर प्ले करते हैं कि किस तरह से जो भी वाइब्रेंट कल्चर है इंडिया की उसको यहाँ पर एक तरह से लोगों के बीच में लेके जाया जा सके। फर्दर यहाँ पर जो भी फोक या ट्राइबल आर्ट्स है, डांस है, म्यूजिक क्विजाइन और कल्चर है एक स्टेट का, उसको एक तरह से शोकेस करना है दूसरे स्टेट्स में, और जो गोल है एक भारत श्रेष्ठ भारत उसको एक तरह से यहाँ पर चेरिश्ड करना है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है आर्टिस्ट और आर्टिशंस के लिए, ताकि उनकी लाइवलीहुड में एक तरह से सपोर्ट किया जा सके। देखिए जो 10th एडिशन है आरएसएम की उसको हेल्ड किया गया था 2015 के नवंबर में। तो यहाँ पर वेरियस स्टेट्स और सिटीज सच एज दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटका, टेहरी और मध्य प्रदेश के अंदर इसको हेल्ड किया गया था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर कोलकाता के द्वारा, जहाँ पर जो भी 7 जोनल कल्चरल सेंटर थे वो साथ में आए, ताकि जो कल्चर है उसको एक तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा सके अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो गोल है उसके तहत। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।